हेलो वीवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर आई हैव ब्रॉट हियर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू हियर ऑल माय व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आप लोगों को कल रिज़ल्ट देखने को मिला साइंस और इंग्लिश का साइंस में तो रिजल्ट आप लोगों को जो बताया गया था वो ए टू जेड तो सब वही आ गया लोगों का फ़ोन भी आया अच्छा लगा सुन कर के काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए जो नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं अनफॉर्चुनेटली वो डिसपॉइंटेड ना हो और नेक्स्ट प्रिपरेशन में लगे वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी लोगों का हो सकता है और इसकी जानकारी भी आपको हम वीडियो में देंगे कि इसकी कि, कि, कि कितनी मेरिट तक आ सकते हैं लोग वेटिंग में भी इंग्लिश का भी देंगे और साइंस का भी देंगे और इसके बाद आपको बताते हैं इंग्लिश में भी आप देखिए अगर जनरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी आपको कट ऑफ दिया गया है वो लगभग लगभग सब सही गए हैं एक डेढ़ क्वेश्चन तो आगे पीछे हुआ है और उसका रीज़न यही रहा है कि जनरल की मेरिट भी क्यों ज़्यादा गई है आपको बताते हैं वो जो मेरिट ऊपर की लोग थे कोई लोग जितने लोग जॉ सब लोग इंटरव्यू दे दिए थे आज के ग्रेड वाले हों चाहे वो उच्चतर शिक्षा में लोग गए हों चाहे पी में गए हों इंटरव्यू सब दे दिए थे अब क्या हुआ कि जिसकी मेरिट इतनी हाई थी ऊपर की संख्या डिजिट एक एक डिजिट पर देखेंगे आप कितनी संख्या हो गई है उस डिजिट के नाते वो संख्या ऊपर रह गई मेरिट इसलिए ऊपर रह गई नहीं तो मेरिट में आप देखेंगे अगर इतनी डिजिट पर ना गई होती इतनी कैंडिडेट्स की संख्या तो निश्चित रूप से वो संख्या आपकी घटते घटते बीस नंबर पच्चीस नंबर नीचे ही आता लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में वो लोग हो गए हैं कि इसी नाते मेरिट आपकी तीस सौ पचपन तक ये चली गई ये सबके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया ऐसा नहीं कि केवल हम ही आप बाकी जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर सरप्राइज हुए कि इतना चला गया है लेकिन ओ का एस का और सबका जितना भी मेरिट था वो अकॉर्डिंग जैसा था बताया गया उसी के अकॉर्डिंग रहा है अब आगे आपकी मेरिट कहाँ तक आ सकती है वेटिंग लिस्ट में आपका कितना हो सकता है इसकी जानकारी प्लस न्यू एडवर्टीजमेंट की जानकारी और बाकी और सब्जेक्ट की जानकारी बता रहे हैं जैसे कि पता चल रहा है कि संस्कृत तो और कला का भी रिजल्ट आपका जो है पाँच जनवरी को आ जाएगा चार पाँच छः में और सारे आपके रिज़ल्ट जो है मैक्सिमम बारह जनवरी तक आ जाएंगे तो इस तरह से रिजल्ट निकलना तो स्टार्ट हो गया है आना ये अच्छी बात है तो आप सभी लोगों के लिए यही कहूँगा कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन और जो लोग नहीं हो पाए हैं अनफॉर्चुनेटली तो प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड मैंने कई वीडियो में ऐसा कहा है कि आप पेशेंस बनाए रखेंगे मेंटल बैलेंस बनाए रखेंगे और अपने कार्य को करते रहिए वेटिंग लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो आने वाले समय में आप ज्वाइन करिएगा इनकेस अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन अपना बनाए रखेंगे और हमसे जो हो सकता है इस चैनल के थ्रू हम आपके लिए वो वर्क हमेशा टास्क जो है एफर्ट करते रहेंगे थैंक यू हैव ए डे